वैसे तो लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस टीवी चैनलों में अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही, लेकिन हाल ही में एक न्यूज चैनल ने झारखंड में चुनावी शो कराया तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने संबित पात्रा को छील कर रख दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है उस गौरव वल्लभ के बारे में जो संबित पात्रा को टीवी चैनल पर धोते हुए दिखाई दे रहे थे? जिस गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा को बहस के दौरान अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर 5 ट्रिलियन में जीरो के मुद्दे पर घेरा, उन्हें कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। इससे पहले वो टीवी चैनल पर होने वाली बहसों में कांग्रेस का पक्ष रखते थे। संबित पात्रा को धोने के लिए उनके पास पूरी तैयारी भी थी, क्योंकि गौरव वल्लभ खुद अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर संबित पात्रा के सामने खड़ा कर दिया। गौरव वल्लभ को कांग्रेस से जुड़े सिर्फ 2 साल हुए हैं। इससे पहले वो प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज XLRI जमशेदपुर में 2003 से 2017 तक प्रोफेसर रह चुके हैं। बीच में 2 साल के लिए 2009 से 2011 तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी संस्था ICAI के डायरेक्टर थे और कई IIM में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। 2003 से पहले वल्लभ RBI के थिंक टैंक के तौर पर काम कर रहे पुणे के एक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के पीपर इलाके के गौरव वल्लभ की स्कूली शिक्षा पाली जिले में हुई। गौरव ने अजमेर विश्वविद्यालय से BCom और MCom किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन्होंने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में PhD की और इसके अलावा CA, CS और LLB की डिग्री भी उनके पास है। दिलचस्प वाक्या तो ये, कितना भारी भरकम अनुभव रखने वाले गौरव की उम्र सिर्फ 42 साल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।